हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा, आप सबको मेरे अन्नपूर्णी किचन हिंदी में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए इस गर्मी में भेज के एक नई रेसिपी ले आया हूँ, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होता है और बहुत ही फायदेमंद भी होता है। आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ मूंग दाल से खीरा सब्जी, जो बनाने में बहुत ही कम वक्त लगता है लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो मेरे वीडियो को इन तक देखते रहिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी इस वीडियो को अगर आप बंगाली और इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया है। तो फ्रेंड्स, चलिए और देर ना करके आज को रेसिपी देख लेते हैं। आज का रेसिपी को करने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम खीरा ले लिया। खीरा को मैंने अच्छी तरीके से छील कर क्यूब साइज में काट लिया। देखिए, छोटा क्यूब साइज करके इसको काटना है। साथ में मैंने यहाँ पर 100 ग्राम मूंग दाल भी ले लिया। अभी मैंने यहाँ पर एक कटोरी ले लिया और उसमें हम मूंग दाल को अच्छे से धोकर थोड़ा सा पानी के साथ कटोरी में डाल रही हूँ। मैं थोड़ा और भी पानी डाल दूँगी। अभी हम इसको बॉयल करने के लिए थोड़ा सा नमक डाल दिया। अभी इसको ढक कर 40% के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको हम बॉयल होने देंगे। 40% बॉयल होने के बाद अभी हम ढक्कन को उठा लेती हूँ और आप लोगों को दिखा दी हूँ 40% की बॉयल होने का मतलब कितना होना चाहिए। देखिए, जब ये इस तरीके से दरा रहेगा इसका मतलब ये 40% बॉयल हुआ है, 100% नहीं बॉयल हुआ है। उसी समय हम यहाँ पर खीरा को भी डाल दूँगी। अभी हम खीरा पर भी थोड़ा सा नमक डाल देंगे और खीरा को भी 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बॉयल होने देंगे। 5 मिनट के बाद अभी हम ढक्कन को उठा लेती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ खीरा कितना बॉयल होना चाहिए। यहाँ पर खीरा 5 मिनट में 50% बॉयल हो चुकी है। देखिए, यहाँ पर खीरा 50% बॉयल हुआ है। इससे ज़्यादा इसको बॉयल नहीं करना है। अभी इसको हम उतार लेती हूँ। अभी मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में ऑयल गर्म करके उसमें एक तेज़पत्ते और सूखी हुई मिर्ची को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मिर्ची तेज़पत्ते को अच्छे से फ्राई करने के बाद यहाँ पर काला जीरा डाल देती हूँ। साथ में डाल देती हूँ ग्रीन चिली की पेस्ट, अदरक की पेस्ट, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। अभी हम सभी इंग्रेडिएंट्स को कुछ समय के लिए फ्राई कर लेंगे। कुछ समय तक इसको फ्राई करने के बाद अभी हम बॉयल करके रखी हुई खीरा और दाल को यहाँ पर डाल रही हूँ। मैंने खीरा और दाल को यहाँ पर डाल दिया। अभी हम इस दाल और खीरा को 2 मिनट के लिए उबाल लेंगे। दो मिनट के बाद अभी हम धनिया पाउडर डाल देती हूँ। धनिया पाउडर को बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे से मिला लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाने के बाद अभी हम गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसको सर्व कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, मेरा आज का रेसिपी मूंग दाल से खीरा सब्जी बिल्कुल तैयार है। तो मेरा आज का रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे आज का रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी तो घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आज इधर ही रुकती हूँ, फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। अच्छी रहिए, बाय।